चने और जिनको हमने रात भर सोख करके रखा था पानी में और अब हमने इनको बॉईल कर लिया है। हमने लिया है नींबू का रस और इस इमली का पानी, ये है हरी मिर्चें और ये है टमाटर और नमक और क्या कहते हैं चाट मसाला, और अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आलू, इसमें डालेंगे टमाटर और अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें, और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, इमली का पानी, ये आप हसबी जायका ले सकते हैं लेकिन हमने एक चम्मच लिया, नमक और ये हमने दो चम्मच चाट मसाला लिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें लाल मिर्च डाल के वो भी दो चम्मच आधा आधा, यहाँ पे हमने मिक्स कर लिए। शक्ल से बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अपने सारे आलू चन गिरा लिए हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। मुँह में पानी आ रहा है इनको देख देख के। और हमने आपको जैसे बताया कि नमक आप हसबी जायका ले सकते हैं, हमने एक चम्मच डाला। सो गाइस अभी हम इसको टेस्ट करेंगे थोड़ी सी और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे। मुझे भूख नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था। अब कह रही हो मैंने खाने, अब तुम भी खाओ। खाने खाने हम इतने इतने पहले टेस्ट करेंगे बाद में। गाइस बहुत यम्मी बने हैं और गाइस बहुत ज़्यादा यम्मी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अपना ओपिनियन दो। तो ये हम दोनों को बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत मज़ेदार है एंड इसमें हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है एंड ये बहुत ही मीनिंग है। आई डोंट लाइक टमाटर। ये दो तो अब मैंने अपनी फूड फिनिश कर लिया है और हम टमाटर नहीं खाते इतने, तो ये टमाटर तो गाइस अब हम शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस मत मेरा ये खाकर आवाज चली गई है और कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की कि नहीं। बाय बाय।